आदित्य पावनी गंगा भी यही है, नर्मदा भी यही है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संबोधन के लिए आदरणीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री तरुण भनोत जी, वे आए और अपने उद्गार प्रकट करें। सर्वप्रथम मां शबरी के चरणों में नमन करता हूं, सामने बैठी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में मौजूद मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन की आकांक्षाओं के केंद्र आदरणीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मेरे सहयोगी सामाजिक कल्याण मंत्री भाई लखन घनघोरिया जी, आपके अपने डिंडोरी के विधायक, मध्य प्रदेश की कैबिनेट में सहयोगी आदिम जाति कल्याण मंत्री भाई ओंकार सिंह मरकाम जी, शेखपुरा के लोकप्रिय विधायक भाई भूपेन्द्र मरावी जी, मंच पर मौजूद मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य, मंडला क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले जी, विधायक सुनील सराफ जी, विधायक कुंदलाल जी मार्को, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जी, मंच पर मौजूद पूर्व मंत्री डॉक्टर नन्हे सिंह जी, बहन कौशल्या गोटिया जी, सभी सम्मान्य मंचासीन अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस कार्यक्रम के लिए आ रहे थे तो उनके साथ हेलीकॉप्टर में मैं भी था और हमारे सहयोगी मंत्री भाई लखन घनघोरिया जी भी थे। तो जबलपुर से डिंडोरी तक जितनी देर का सफर था, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे डिंडोरी जिले के बारे में अपनी यादों को ताजा कर रहे थे और साथ साथ में बातों बातों में दिशा निर्देश भी दे रहे थे कि किस प्रकार से योजना बनाकर हमारे आदिवासी भाई बहन जो इस क्षेत्र में रहते हैं, जो बहुत सालों से विकास से वंचित हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। उनको चिंता थी डिंडोरी की जनता की, मंडला की और आसपास के क्षेत्र के हमारे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उन सब क्षेत्रों की। बहुत पुरानी बात नहीं है, 2018 के दिसंबर माह में 15 साल के कुशासन का अंत करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में जो लड़ाई माननीय कमलनाथ जी ने लड़ी थी उसका परिणाम आप सबने दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो सबको आशा थी कि कमलनाथ जी के नाम का दूसरा पर्याय है तेज गति से विकास, समाज के हर वर्ग के भले के लिए काम करना और जो उनका एक सपना है कि मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करें उसको पूरा करना। पर साथियों, आप सब यहां बैठे हैं, आप जानते हैं कि जब भी किसी कार्य के लिए एक योजना तैयार की जाती है, प्लानिंग की जाती है लोगों की बेहतरी के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की पड़ती है तो किस चीज की पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप सबने भी देखा कि मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ था, सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और जाती हुई सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया, मीडिया के सामने दिया कि हमने तो 15 साल में मध्य प्रदेश का खजाना खाली कर दिया है। माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को वचन दिए हैं, अब जब पैसा नहीं है तो हम देखते हैं कि माननीय कमलनाथ जी कैसे उन वचनों को पूरा करते हैं। बात तो उनने सही कही थी कि उनने मध्य प्रदेश के खजाने को 15 साल में खाली और खोखला कर दिया था, ये सब आपने भी देखा था। पर वो कमलनाथ जी के काम करने की शैली को और कमलनाथ जी की गहराई को नहीं जानते थे। और याद करिए, जब चुनावी सभाएं होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रूप में आपके बीच में आते तो क्या कहते थे
कि हमने जो वचन दिए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे, चाहे हमें कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और विभागों का बंटवारा हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया, हमारे विभाग के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि मुझे पता है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पर मैं आप लोगों के साथ हूं। उन्होंने दिशा निर्देश दिए, एक प्लानिंग तैयार की और कहा कि हर कीमत पर वह वचन जो हमने मध्य प्रदेश की आम जनता को दिया था वो पूरा करना चाहिए और हम पूरा करके रहेंगे। हम सबको लगा कि धन की कमी के कारण कैसे ये संभव हो पाएगा, पर उनका 40 साल का राजनीतिक करियर, जो उन्होंने सांसद के रूप में केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री के रूप में व्यतीत किया था, उनका अनुभव हमारे काम आया। उन कठिन परिस्थितियों में भी हमने बहुत सारे नए साधन जुटाए, राजस्व बढ़ाया, जब केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही थी सिर्फ राजनीतिक कारणों से, तो भी हमने जो वचन दिए थे उनको पूरा करना शुरू किया। आदिवासी भाई बहन हमारे यहाँ भारी संख्या में मौजूद है। मुख्यमंत्री मदद योजना, किसी भी आदिवासी परिवार में अगर संतान का जन्म होगा तो उस परिवार को 50 किलो अनाज उचित मूल्य की दुकान से मुफ्त मिलेगा। उनने शुरू की और लागू भी की, इसका लाभ हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप बताइए। उसके साथ साथ ऋण मुक्ति योजना, यह तो कहा ही था कि हम किसान भाइयों का ऋण माफ करेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने प्रथम चरण में जय किसान ऋण मुक्ति के तहत 20 लाख किसान भाइयों का कर्जा माफ किया था, जबकि हमारे पास वित्तीय संसाधनों का अभाव था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने बेहतर प्रबंधन के साथ काम किया और 20 लाख किसान भाइयों का ऋण माफ किया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ गए। मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, ये महत्वपूर्ण भी है, जिस जनता ने विधानसभा के चुनाव में हमें आशीर्वाद दिया था उस आशीर्वाद में कुछ कमी रह गई। जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। मात्र एक छिंदवाड़ा की सीट से हमारे भाई अरण्य नेता नकुलनाथ जी निर्वाचित हुए, तो लोगों ने कहा और भाजपा के नेताओं ने यह कहा कि जो वचन माननीय कमलनाथ जी ने और उनकी सरकार ने दिया था, चूंकि लोकसभा के चुनाव का परिणाम उनकी पार्टी का उनके अनुकूल नहीं आया है, इसलिए अब ये इसको पूरा नहीं करेंगे। भाइयों, हमने उन बातों को सुना, जैसा कि भाई लखन गनगोरिया जी कह रहे थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया कि तुरंत चुनाव के बाद प्लानिंग के साथ हम द्वितीय चरण भी जय किसान ऋण मुक्ति का शुरू करेंगे, और मुझे आपको इस मंच से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसके तहत हमारे लगभग 8 लाख किसान भाइयों का कर्ज माफ होने जा रहा है, जिसमें डिंडोरी जिले के भी हमारे अभी तक प्रथम और द्वितीय चरण में 16,523 किसान भाइयों का जय किसान ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफ हुआ है, और जिसका तृतीय चरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेशित किया है कि जो आगामी बजट हमारा आएगा उसमें प्रावधान करते हुए हम चालू करेंगे और 2 लाख तक के हमारे किसान भाइयों के जो ऋण है उनको माफ करेंगे। मैं ये बात आपके सामने क्यों कह रहा हूं, जब 2003 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गई मध्य प्रदेश से, हमारे प्रदेश के ऊपर 23,000 करोड़ रुपए का ऋण था, और 2018 में जब 15 साल के अंतराल के बाद शिवराज सिंह जी की सरकार गई तो मध्य प्रदेश के ऊपर 1,80,000 करोड़ रुपए का ऋण था, 1,60,000 करोड़ रुपए का हिसाब आज तक भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को नहीं दिया। ये रुपया गया कहां? नए कॉलेज बने नहीं सरकारी, अच्छी सड़कें बनी नहीं, किसानों के कर्जे माफ हुए नहीं, अस्पतालों में उन्नयन हुआ नहीं, डॉक्टरों की नियुक्ति हुई नहीं, हमारे विद्यालयों का निर्माण हुआ नहीं, तो ये पैसा कहां गया? ये जब जब शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे आपके बीच में आए तो उनसे ये प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में और चंद चुनिंदा भ्रष्ट अफसरों की जेब में गया, जो आपके हक का पैसा था, जिसको माननीय कमलनाथ जी ने अब रोक लगाई है। मैं बहुत 2-4 महत्वपूर्ण बातें कहकर ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे पता है आप स्थानीय मंत्री भाई ओंकार मरकाम जी को और हमारे उसके बाद पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए ललायत है। डिंडोरी जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो कमलनाथ जी ने आदेशित किया
कि खास ख्याल डिंडोरी जिले का रखना है और तुम्हें जिम्मेदारी इसलिए दी है कि मध्य प्रदेश का जो खजाना है उसकी चाबी भी तुम्हारे पास है। इसलिए डिंडोरी के आदिवासी हमारे भाई बहन जो है सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके काम में कहीं भी वित्तीय अभाव के कारण दिक्कतें आ रही है। साथियों, एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी तरफ से जरूर रखना चाहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा और जिस बार का बजट हम पेश करेंगे उसमें इस योजना को बनाकर पेश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहन डिंडोरी का क्षेत्र, मंडला का क्षेत्र, हमारे छिंदवाड़ा का भी कुछ क्षेत्र और कुछ और अन्य जिलों में उनकी जो मुख्य फसल है जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं वो कोदो और कुटकी की है और बहुत सारे व्यापारी उनका शोषण भी करते हैं, कम दामों में उनसे उनकी फसल खरीद तो लेते हैं, उसको महंगे दामों पर ले जाकर बड़े बाजारों में बेचते हैं, पर जो उचित मूल्य और लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिलना चाहिए जो उसका खेती करते हैं वो नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपकी परमिशन मिले तो आने वाले बजट में हम इस योजना को जरूर शुरुआत करें कि जिस प्रकार से सरकार धान का और गेहूं का उपार्जन करती है, अन्य हमारी फसलों का उपार्जन करती है, उसी के तहत एक योजना बनाकर नहीं लाना चाहते हैं जिसके तहत सरकार आपकी उपार्जन करे, आपकी फसल को खरीदे, आपको उचित मूल्य आपके घर बैठे मिले और व्यापारी जो आपका लाभ उठाते हैं उसको हम बंद कर सके। और ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपके मार्गदर्शन में अगर ये योजना बनेगी तो निश्चित तौर पर पूरी बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा और उस योजना को हम इसी वर्ष बजट में शामिल भी कर सकेंगे और इसका उपार्जन सरकार करेगी, हमारे भाई बहनों को जो कोदो कुटकी लगाते हैं और ज्यादा लगा सकते हैं सरकार उनका माल खरीदेगी, सरकारी दामों पे खरीदेगी, सरकारी गोदामों में रखेगी और आगे उसको कहां भेजना है ये सरकार तय करेगी। क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारे भाई बहन हाथ उठाकर बताएं, करना चाहिए तो जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए कि आप सबका इस बात के लिए समर्थन है और हमारी सरकार आपको इस बात का वचन देती है कि हम इसको पूरा भी करेंगे। इसी के साथ हम बहुत सौभाग्यशाली हैं डिंडोरी जिले के लोग कि यहाँ से मां नर्मदा कलकल करते हुए बहते हुए निकलती है, पर कई बार मन में ये आता है कि नर्मदा जी तो निकलती है पर उनका जो लाभ गुजरात को मिलता है, मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों को मिलता है, वो हमारे डिंडोरी और मंडला के आदिवासी भाई बहनों को नहीं मिलता है। और ये बात हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और उनके समक्ष इस बात को भी रखा कि जब बरगी डैम बनने वाला था उसके साथ में 1972 में एक परियोजना बनी थी कि बरगी के ऊपर 5 नर्मदा जी के कैचमेंट के लिए छोटे छोटे बांध बनेंगे जिनसे हम लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और अन्य साधनों से अपने दूर दूर तक बसे हुए आदिवासी भाई बहनों के घरों तक और उनके खेतों तक नर्मदा जल पहुंचा पाएंगे, पर किन्हीं कारणों से वो योजना कभी मूर्त रूप नहीं ले सकी। मैं आज आपको ये बता रहा हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस बात को आप जानने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत भी करेंगे। जब ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी तो उनने तत्काल कहा कि इस योजना को लागू किया जाए और 2024 के पहले इसको पूरा भी किया जाए और अपर नर्मदा की घोषणा के काम की जो 40 साल से भी अधिक समय से बंद फाइल पड़ी थी उसको उन्होंने खुलवाया और मैं आपके साथ पूरे विश्वास के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि अगले 3 माह में उस 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की जो लागत की योजना है वो डिंडोरी जिले में शुरू होने जा रही है। क्या हमें इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत नहीं करना चाहिए? भाइयों, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतनी जोरदार तालियां बजाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे कि जो आपके हक की लड़ाई थी जिस पर उन्होंने फैसला किया उस सबसे आप उत्साहित हैं और खुश हैं। और एक बात और आपके बीच में कहना चाहता हूं, प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आप डिंडोरी के प्रभारी मंत्री तो हैं पर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिला मुख्यालय डिंडोरी है, जो आम सरकार है कांग्रेस की वो डिंडोरी तक ही सीमित है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब जो अलग अलग जिला योजना समिति की बैठक होगी वो प्रथम चरण में हमने डिंडोरी के बाद
शेखपुरा में भी आयोजित की, अब अमरपुर में भी करेंगे, बजाग में भी करेंगे, मेनवानी में भी करेंगे, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे सरकार के जितने कर्मचारी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप सबको, मंत्री को भी साथ में लेकर, विधायक को साथ में लेकर, सेवक के रूप में जिले में लोगों की सेवा करना है। इसलिए ये इंतजार नहीं कीजिए कि वो चलकर डिंडोरी तक या आपके बंगले तक आए, आप सबको उनके घर तक पहुंचना है। तो मैं आपके सामने इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे जितने ब्लॉक है, दूर दूर तक ये हमारा जिला फैला है, आदिवासी बहुल इलाका है, हम आप सबके घर में आकर, आपके क्षेत्र में आकर, आपके ब्लॉक में बैठकर जिला योजना समिति की बैठक करेंगे और जो आपकी समस्याएं हैं उनको आपके घर में ही उनका हल करेंगे। और ज्यादा समय आपके बीच में लेना नहीं चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपार जनसमूह में यहां पर आए, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पर अभिवादन किया, अभी आप उनके वचनों को भी सुनेंगे। आप सबका हृदय से आभारी हूं। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी, मैं जो यहाँ पर मौजूद है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। एक मिनट का समय आपसे और लूंगा, और सिर्फ एक सेकंड का, और आप सबको एक आमंत्रण भी देना चाहूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम भी किया कि जबलपुर में आज 24 तारीख से नर्मदा गौकुंभ का शुभारंभ हो रहा है, जो 3 तारीख तक होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 3 तारीख को उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगातार ये गौकुंभ, जिसमें हमारे देश के जाने माने संत और पधार रहे हैं, सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद और धन्यवाद कि उनने इस नर्मदा गौकुंभ को शासकीय कैलेंडर में शामिल किया। और आप सबको भी निमंत्रण कि आप सब जबलपुर आए, नर्मदा गौकुंभ में शामिल हो, और हम सब मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी उसके लिए ज्ञापित कर सके। शुक्रिया। जय हिंद। इस ऐतिहासिक उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक सभा है।